नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और इस वक्त हर राजनीतिक दल का पूरा फोकस जातिगत समीकरणों को साधने पर है, चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्षी कांग्रेस। दोनों ही दलों की नजर अब केवल ओबीसी एससी एसटी जैसे बड़े वर्गों पर नहीं बल्कि और माइक्रो लेवल पर जाते हुए इन वर्गों की उपजातियों पर भी आ गई है। तभी तो अंबेडकर जयंती के मौके पर दोनों ही दलों की तरफ से एससी वर्ग की उपजातियों को लेकर कई घोषणाएं हुई और इन उपजातियों को उपकृत करने का भी ऐलान हुआ। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि जात पात की राजनीति चुनावों में क्या रंग दिखाएगी, उपजातियों को छांटकर उन्हें सौगात देना कितना बड़ा दांव साबित होगा और एससी वर्ग या फिर बाकी वर्ग जो हैं वो इस बार किस तरफ जाएंगे, चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती की तर्ज पर मुड़ती नजर आ रही है। जिस प्रकार मायावती उत्तर प्रदेश में तमाम जातियों की भाईचारा कमेटियां बनाकर उनके आयोग निगम बोर्ड बनाकर राजनीति करती रही, वैसी ही राजनीति अब मध्य प्रदेश में होती दिख रही है। शिवराज सरकार पिछले कुछ दिनों से रजक समाज, साहू समाज, सोनी समाज, सिंधी समाज, विश्वकर्मा समाज जैसे वर्गों के बोर्ड बना चुकी है। तो वहीं ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह ने एससी वर्ग की उपजातियों जैसे जाटव कोरी वर्ग के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान किया। इन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य बनाने और अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा दिए जाने का भी ऐलान किया गया। मेरे बहनों और भाइयों, अपने अनुसूचित जाति समाज में एक नहीं अनेकों उपजातियां आती है, उसमें जाटव चौधरी समाज भी आता है, अहरवार समाज भी आता है, साकेत समाज भी आता है, बलाई समाज भी आता है, बाल्मीक समाज भी आता है, मैहर समाज भी आता है, कोरी समाज भी आता है, खटीक समाज भी आता है, एक नहीं अनेकों समाज आते हैं। और अब तक एससी के कल्याण की सारी योजना बल्लभ भवन में बैठ के बनती थी, अफसर और मंत्री बनाते थे। कई बार वैसी योजना बनती थी तो उन योजनाओं में जमीनी जो हकीकत थी वो शामिल नहीं होती थी। अब आज अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर हम ये तय कर रहे हैं कि हमारी जो प्रमुख उपजातियां हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो अहिरवार हो, चाहे वो साकेत हो, वो चाहे चौधरी हो और चाहे वो कोरी हो, चाहे वो बलाई हो, चाहे वो बाल्मीकि हो, चाहे वो खटीक हो, इन सब उपजातियों के अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे। कल्याण बोर्ड, जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, बाल्मीक कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, बलाई कल्याण बोर्ड, ये सारे बोर्ड अलग अलग बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस कास्ट पॉलिटिक्स में कूदी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल के पीएनटी चौराहे पर आयोजित सेन महाराज की जयंती के मौके पर बड़ी घोषणाएं की। कमलनाथ ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सेन आयोग का गठन किया जाएगा। इतना ही नहीं, सेन महाराज की जन्मस्थली बांधवगढ़ में भव्य स्मारक बनाया जाएगा। वहीं रविवार को कमलनाथ ने भोजपुरी समाज को साधते हुए कहा था कि उनकी मांग के अनुरूप सामाजिक कार्यों के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। सिर्फ दलित और पिछड़े ही नहीं, कांग्रेस ने संपन्न अग्रवाल समाज के परिचय सम्मेलन में भी शिरकत करते हुए माँ महालक्ष्मी लोक बनाने और अग्रसेन जयंती पर अवकाश देने का वादा किया था। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मैं बीडीए का अध्यक्ष था, मोहम्मद सलीम हमारे बीच में नहीं रहे, नरयानी जी नहीं रहे, तब ये पहला मध्य प्रदेश का मूर्ति लगी थी और पहला ये चौक बना था, ये उनके नाम से ही जाना जाता है, सेन महाराज चौक। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, सुरेश पचौरी जी आए थे, और इनकी एक दिग्विजय सिंह जी के जमाने में एक जमीन आरक्षित हुई थी जहाँ हम लोगों ने कुछ काम वहाँ किया है सेन समाज के लिए, और ये मान के चलिए कि वो भूमि उनकी है रिजर्व, और जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो उनको मिलेगी, और सेन समाज का एक आयोग का भी गठन वो करेंगे, ये बात उन्होंने कही, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर इन हालातों से साफ समझ आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस
प्रादेशिक मुद्दों से इतर अब सीधे हर जाति को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं। इससे कौन कितना प्रभावित होगा, कौन किसके साथ जाएगा, किसे कितना फायदा मिलेगा, ये सब वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका बहुत स्वागत है राजेश जी। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से आशीष तिवारी जी हैं, आपका बहुत स्वागत है आशीष जी। और कांग्रेस की ओर से अमित तावरे जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है अमित जी। पहला कमेंट अमित जी आपसे, ये जो जातियों उपजातियों को लेकर घोषणाएं हो रही हैं और दोनों तरफ से हो रही हैं, एक तरफ से नहीं, ठीक मानते हैं अमित जी? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पहले जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में लगभग चार बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। एक लंबे समय तक सारे वर्गों ने, सिर्फ मैं जातियों की बात नहीं, सभी लोगों ने, सभी मतदाताओं ने, अधिकतर लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया और एक लंबा समय उनको मुख्यमंत्री रहने का मौका दिया। अब वो लोग जब उनके प्रति निराश हो चुके हैं, उनका विश्वास खत्म हो चुका है, तो वो अपने विपक्षी नेताओं को देख रहे हैं। कल जैसा कि आपने बताया, भोजपुरी समाज के सम्मेलन में मैं भी माननीय कमलनाथ जी के साथ शामिल हुआ था और वहां पे जब ये मांग उठी नवीन की, तो निश्चित तौर पर एक जनसेवक होने के नाते कमलनाथ जी ने उनको आश्वासन दिया, ये भरोसा दिया कि आपकी जो भी मांग है उसका उचित निराकरण किया जाएगा। तो जब लंबे समय तक किसी की सरकार रहती है, आप उसके लिए कुछ नहीं करते हो, तो निश्चित तौर पर उसका भरोसा उठता है और विपक्षी नेताओं से आस जगती है। तो इस नाते कमलनाथ जी ने उनको भरोसा दिया है और हर वर्ग की, जहां भी कमलनाथ जी जा रहे हैं, लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है और एक वचन, एक आश्वासन वो है कमलनाथ जी सभी को दे रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये जो बोर्ड बनाने की घोषणा, आयोग बनाने की घोषणा, ये भी सब ठीक है, जमीन तो चली, किसी समाज ने मांग रखी वो दे दें, वो अलग चीज हो गई, लेकिन हर उपजाति को छांट छांट करके उन्हीं को उपकृत करना, ये और ये घोषणा आप लोगों की तरफ से, सेन समाज के लिए आज कहा गया कि सेन आयोग बनाया जाएगा, कांग्रेस ने कहा है, तो ये भी क्या आपको ठीक लगता है कि आयोग बना दें, बोर्ड बना दें अमित जी? देखिए, लोकतंत्र में सभी वर्गों को और हर एक व्यक्ति को अपनी मांग राजनीतिक लोगों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने रखने का हक है और नेताओं का ये नैतिक दायित्व है कि जो भी मांग रखी जाती है उसको उनकी आशा के अनुरूप क्रियान्वित करें। अच्छा, तो ये मतलब जो बीजेपी ने आपका किया है कल की कोरी बोर्ड बनेगा, जाटा बोर्ड बनेगा और भी तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, अलग अलग समाज, रजक समाज का अलग आयोग और विश्वकर्मा समाज का अलग बोर्ड, मतलब ठीक लगता है आपको कि यही सब हर जाति, हर उपजाति का एक बोर्ड बना दिया जाए, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, आम आदमी पार्टी क्या करती है या बसपा क्या करती है, ये मुझे नहीं मालूम। जो स्थिति हमारे साथ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आप राजनीति में, आपको यही नहीं मालूम कि सरकार क्या कर रही है, तो फिर आप कैसी राजनीति कर रहे हैं अमित जी? नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या राजनीति कर रहा हूँ ये तो मुझे मालूम है, इसमें आप कैसे कर सकते हो? तो भाई, अगर सरकार कुछ कर रही है और हम पूछे आपसे, तो ये आप ये जवाब देते कि मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता या मेरा ध्यान ही नहीं उस तरफ। सरकार, हाँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, नरोत्तम। अरे सरकार का नहीं है, विपक्ष में होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार ये घोषणाएं कर रही है, आपको क्या ठीक लग रहा है कि ये हर जाति, हर उपजाति का एक अलग से बोर्ड बनाया जा रहा है, बनाने की घोषणा की गई है? हम तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को जागरूक ज्यादा होना चाहिए। आप समझिए मेरी बात को, मैंने आपको पहले ही कहा, शिवराज जी के प्रति और सरकार के प्रति लोगों में एक आक्रोश है, क्योंकि लंबे समय तक मौका दिया और जब उनको भावनाएं नहीं मिली हैं, उनके अनुरूप काम नहीं हुआ है, तो लोग अब निराश हो चुके हैं, तो विपक्ष के नेताओं के तौर पर देख रहे हैं। अब ये जो भी कर रहे हैं, सबको मालूम है 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और किसी के लिए कुछ होने वाला नहीं है, नई साल में नई सरकार आएगी जो सभी लोगों के लिए काम करेगी। मतलब ये जो है सब खाना पूर्ति है। चलिए आशीष जी, आपका जवाब, वो देखिए वो फंस जाएंगे ना अमित जी, कैसे विरोध कर दें कि
कि कोरी समाज का बोर्ड नहीं बनना चाहिए, कि जाटव समाज का बोर्ड नहीं बनना चाहिए, खुद अमित जी फंस जाएंगे ऐसा बोल करके, तो वो दाएं बाएं बातें कर रहे हैं। लेकिन आशीष जी मेरा भी आपसे यही सवाल, आपने कहा हम इस जाति इस उपजाति का बोर्ड बनाएंगे, उनने भी कह दिया हम भी सेन समाज का आयोग बनाएंगे, तो ये जो हर जाति उपजाति का बोर्ड बनाने सौगाते देने, और खैर ये भी नहीं अग्रवाल समाज को अलग भोजपुरी समाज को अलग, तो ये क्या, ये जो सुनते आए हैं बरसों से कि जात पात की बात नहीं होना चाहिए राजनीति में, सबको संभाव देखना चाहिए और केवल एक एक नजरिए से सबको देखना चाहिए, ये ठीक राजनीति है या नहीं? नहीं वो उपजाति कौन सी है, फिर उसकी और कौन सी जाति होगी, जैसे बिहार में चलता है कि पिछड़ी और माँ पिछड़ी और दलित और माँ दलित और ये सब, क्या ये ठीक है आशीष जी इस तरह की राजनीति? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ तब से वह एकात्म मानव दर्शन के साथ में लगातार अंत उदय की कल्पना के साथ में काम करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही अंत उदय है, और हमारा एक ही काम है कि हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास हो जाए। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, वास्तव में यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने का प्रयास किया है कि हम जो काम पिछले आज जब से हम सरकार में आए तब से लगातार हम अलग ही काम करते रहे। जब कांग्रेस के बाद हमें सरकार मिली तो उस समय ना सड़कें थी मध्य प्रदेश के, ना अंदर ना बिजली थी ना पानी था, पहले हमने इन पर काम किया, फिर हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम किया, और हमने लगातार मध्य प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। अब जो हमारे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, जिन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था, उन सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उन सभी की बातें सामने आएंगी, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार हमारे मुख्यमंत्री ने ग्राम स्तर पंचायतों का आयोजन किया, हमने अधिवक्ताओं के लिए भी पंचायत लगाई, हमने नाई समाज के लिए भी पंचायत लगाई, हमने कोटवारों की भी पंचायत लगाई। तो हमने जब पंचायतें लगाई तो उसमें भी बहुत सारे बिंदु समझ में आए कि हमें इन पर अभी काम करने की आवश्यकता है और उन पर हमें काम करना है। ऐसी सारी चीजों के कारण ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक समाज के उद्धार हो, उस समाज के लोग आगे बढ़े, और यही कारण है कि जब सरकार में भी ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर समाज का कल्याण होगा। ठीक है, राजेश जी का एक कमेंट हम ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी आपका क्या मत है? वो कह रहे हैं कि भाई हर वर्ग का उत्थान होना चाहिए, हर वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जैसा अमित जी भी कह रहे थे। अमित जी हालांकि ये कह रहे थे कि भाई हमारे सामने मांग आई तो हमने हामी कर दी है, हामी भर दी है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो घोषणा की वो तो 6 महीने बाद चुनाव होना तो कोई उनका महत्व तो नहीं रहे। लेकिन इससे इतर कि ये जो हो रहा है क्या वाकई मजबूरी बन गई थी कि हम आप कह देंगे कि अरे जात पात की राजनीति नहीं होना चाहिए, हमें आपको थोड़े ना वोट मांगने जाना है भाई, जब ये जाएंगे लोग जनता के बीच में तो पूछा जाएगा कि भाई हमारे समाज के लिए हम, और ये तो है मजबूरी, विसंगति कह लें, विडंबना कह लें, दुर्भाग्य कह लें कि हर व्यक्ति खुद को भारतवासी या देशवासी नहीं मानता, वो कहता मैं तो फलाने समाज का हूँ, मैं ढिकानी जाति का हूँ, तो ये तो इन नेताओं के सामने मजबूरी की क्या ना करें फिर वोट पाने के लिए। तो कैसे देखते राजेश जी, और ये जो हो रही है घोषणाएं कितना असर पड़ेगा इसके इस चुनाव पर? ये 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स में अपन इसको देखते हैं। एक तो डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जातियों का उन्मूलन, जाति व्यवस्था का उन्मूलन। अब उस बेचारे ने इतनी मेहनत करके किताब लिखी, उस किताब को अगर अपनी बीजेपी कांग्रेस पढ़ती है तो शायद ये सब चीजें ना हो जो अब हो रही है अभी। और लेकिन आज की स्थिति ये है कि उस किताब में जो भी लिखा है उस और आज की जो सच्चाई है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात यह है कि चाहे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, बीजेपी वाले हों, बहुत सारे संत हों, सारे लोग यही बोलते हैं कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जाति रहित समाज होना चाहिए। पर क्या ये पॉसिबल है? ऐसी स्थितियां जो भाजपा और कांग्रेस, चलो आम आदमी पार्टी और हम उन छोटी पार्टियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस देश को चलाने वाली सिर्फ दो ही जिम्मेदार पार्टी है, जो हमारा ऐसा मानना है कि जो नेशनल लेवल की पार्टी है, जिनको जिनको ये समझ है कि नेशनल लेवल के मुद्दे क्या होते हैं। जब ये लोग ये कर रहे हैं तो फिर अब उनसे जो छोटे जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तीसरी बात ये है कि जो आपने एक बात अभी करी कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट शुरू हो गया है कास्ट का, तो ये और ज्यादा चिंता की बात है। वही जो जैसा बिहार में हुआ था, जो लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने जो निकाला था,
कि पिछड़ों में भी महापिछड़ा, दलितों में भी महादलित क्या होते हैं भाई, दलित दलित सब हर आदमी परेशान है, उसमें महादलित बनाने से क्या फायदा होगा। तो वही अब उसमें एक बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय अगर देखा जाए तो ये वैसी ही चल रही है जैसी उत्तर प्रदेश में योगी से पहले वाली राजनीति थी, उस लेवल पे पहुंच गई है मध्य प्रदेश की राजनीति अगर जाति को देखा जाए। एक बात और थी दीपेश जी कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2019 को एक जजमेंट देते देते बड़ा दुखद मन से एक बात बोली थी। उसने कहा था कि जो संविधान जब बनाया गया था तो जो आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी बनाए गए थे उसका मेन उद्देश्य था कि सब लोग बराबर में आ जाएं, कोई अगड़ा नहीं रहे, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई ऊंचा नहीं रहे, कोई नीचा नहीं रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ कास्टलेस सोसाइटी स्टिल रिमेन्स अ ड्रीम विद अ रैम्पेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसका ये कहना था कि ये तो एक सपना बन के रह गया है सुप्रीम कोर्ट की वो जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट का। अब आपने आखिरी बात जो आपने पूछी है कि बोर्ड बनाने का, जिसका तिवारी जी ने भी जवाब नहीं दिया और तावरे जी ने भी नहीं दिया कि बोर्ड बनाने से होगा क्या, तो ये होगा कि जो उस जाति के जो नेता हैं जो बहुत समय से अपने अपने आका के साथ में रहे हैं और उनको आज तक कभी ना कोई विधानसभा का टिकट मिल पाया ना कोई बड़ी चीज मिल पाई, तो आज उनको कम से कम एक कैबिनेट का या जो राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, उनको वो गाड़ियां मिल जाएंगी, वो सुविधा मिल जाएगी, भले 6 महीने के लिए मिलेंगी लेकिन वो उनका एक जो समाज में एक उनका जो अपनी वो ये कह पाएंगे कि देखो मैंने इतने समय पार्टी की सेवा की तो ये चीज मुझे मिल गई। ये बीजेपी अकेले पे नहीं है, ये कांग्रेस पे भी लागू है, दोनों पार्टियों पे लागू है ये बातें। तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है और जितना मतलब जो इसको इस मुद्दे को समझ में आता है वो तो इतनी सी बात है। चलिए अमित जी, तो ये देखिए अगर बीजेपी, आपने कहा कि नहीं कर पाएगी घोषणा पूरी, अगर बन जाते हैं बोर्ड जल्द बन जाते हैं, क्या लगता है आपको, नहीं बीजेपी का कदम सराहनीय कि हर उपजाति के लिए एक बोर्ड की स्थापना, उस बोर्ड के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा, सदस्य बनाए जाएंगे, जो आपकी आपने भी कहा था कि भाई हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, राजनीति में आगे लाना चाहिए उन लोगों को, लेकिन जो राजेश ने बात की तो खैर उसको तो सब भुला चुके हैं, लेकिन ये जो जात कास्ट पॉलिटिक्स है ये क्या किसी भी प्रदेश के लिए ठीक मानी जाएगी? हमने उत्तर प्रदेश में देखा लेकिन उसको आगे जाकर के नकार दिया गया, बसपा ने बहुत कोशिश की कि कास्ट के आधार पर हम पूरी पॉलिटिक्स करें, लेकिन आज उस बसपा की क्या हालत है, कोई नामलेवा नहीं बचा यूपी में। आपको लगता है मध्य प्रदेश में अगर यही चीज होगी और दोनों दल मिलकर करेंगे तो एक वक्त आएगा कि पब्लिक उब जाएगी कास्ट पॉलिटिक्स से? अमित जी देखिए, शिवराज जी सब कामों को करने के लिए बहुत लेट हो चुके हैं और मैं आपको फिर कहूंगा कि सारे वर्गों ने इनको वोट दिया, 4-4 बार चीफ मिनिस्टर रहे और उस वर्ग के सारे वर्गों के हालात आज क्या हैं ये सबको मालूम है। हम बेरोजगारों की बात करें तो उन सारे वर्गों के लोग उसमें शामिल हैं। आपने युवाओं से एग्जाम फीस के नाम पे करोड़ों रुपए ले लिए लेकिन आज तक उनको नौकरियां नहीं मिली, उसमें तो सभी वर्गों के लोग हैं। महिला अत्याचार होते हैं तो वो वर्ग देखकर नहीं होता, इसमें सभी वर्गों के लोग होते हैं। और आप जब जब 6 महीने बचे हुए हैं तो ये घोषणाएं कर रहे हो तो आज की जनता बहुत समझदार है। जैसा कि कमलनाथ जी बोलते हैं कि 20 साल पहले के युवा और अब की युवा में बहुत अंतर है। अब युवा जो है वो नौकरी चाहता है। शिवराज जी जब फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने, आज बच्चा बड़ा हो गया है, वो 18-20 साल का हो गया, तो वो अब नौकरी चाहता है, अब वो भाषण नहीं चाहता। तो मैं ये मानता हूं कि हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त समय सरकार को मिला था जिसमें सरकार असफल हुई है और लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब माननीय कमलनाथ जी को अगले मुख्यमंत्री बनाएंगे मध्य प्रदेश का। आशीष जी, वो कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे आप घोषणाएं पूरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो कहा है वह पूरा किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही संकल्प है कि प्रत्येक वर्ग का विकास होना चाहिए और उसे उसे करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे क्योंकि हमें विकास करना है। साथ ही साथ जहां कांग्रेस यह बात करती है कि हम विलंब हो गए या हमने पहले करना चाहिए था, तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब हम सरकार में आए थे उस समय मध्य प्रदेश शून्य की स्थिति में खड़ा हुआ था। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, सड़कें नहीं थी, खेती का रकबा बहुत ही कम था और आज 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 आप देखेंगे बिजली नहीं थी पर आज यह परिस्थितियां निर्मित हुई कि हमने बिजली का निर्माण भी किया, हमने सड़कों का निर्माण भी किया, हमने खेती का सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश जब सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगा, हमने युवाओं के लिए भी काम किया, युवा नीति
तैयार की, हमने युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार देने के लिए भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत काम किया, तो लगातार हमने काम किए जो इसका परिणाम है कि आज हम सरकार में हैं। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो 15 महीने इनको भी काम करने का मौका मिला, जनता ने मौका दिया, पर ये 15 महीने में काम नहीं कर पाए, इन्होंने जो वादे किए आज वो पूरे नहीं हो पाए, चाहे किसानों को कर्जा माफ हो, चाहे संविदा कर्मचारियों का मामला हो, इन्होंने अतिथि शिक्षकों को कहा कि हम परमानेंट करेंगे, नहीं कर पाए, तो इनके द्वारा जो जो संकल्प अपने जो वचन पत्र में बात कही गई थी वह पूरी नहीं की गई, और हम जो संकल्प लेकर आगे बढ़े थे उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश को आने वाले समय में और विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे और देश में अलग पहचान मध्य प्रदेश की होगी। राजेश जी, अगर बोर्ड्स बन ही रहे हैं, ये घोषणाएं हो ही रही हैं, तो फिर क्या स्वरूप होना चाहिए कि वाकई उस वर्ग को कुछ फायदा मिल सके? देखिए, एक बात है कि अगर बोर्ड बनता है, बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, और चेयरमैन बनेगा तो चेयरमैन को प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको बताएं, महीने दो महीने तो उसको वो जो उस ऑरा से निकलने में लगते हैं कि मैं ये बन गया, मेरे को मतलब पूरा हर जगह जा रहे, सम्मान हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, जैसे नायक फिल्म में जो अनिल कपूर का रोल था, तो अब क्योंकि समय कम बचा है, समय 6 महीने भी नहीं बचे हैं, तो वो नायक फिल्म वाला रोल अगर करने वाले आदमियों को शिवराज जी चुने तो कुछ हो सकता है, नहीं तो 4-6 महीने तो सेलिब्रेशन में निकल जाएंगे, इसी में निकल जाएंगे कि यहाँ माला पहन रहे हैं, वहां माला पहन, पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग बुलाएंगे, जब जबलपुर आ जाओ, अब कटनी आ जाओ, अब डिंडोरी आ जाओ, ग्वालियर आ जाओ, तो वो उसमें ये समय निकल जाएगा। और अगर काम करना चाहते हैं, मतलब जो अगर ऐसे ऐसे लोग बने जो पहले दिन से ये सोच ले कि अब कहीं नहीं जाना है, एक माला नहीं पहननी है, पहले कोई बड़ा काम करके दिखाना है, और वो अपने उस समाज के उत्थान में लग जाए, तो शायद कुछ हो सकता है। तो अब इसमें व्यक्ति का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई अपना चेला है या किसी ने अपने साथ में दरिया उठाई है, अपना बैग पकड़ के चला है, इसलिए उसको अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, कोई वाकई जो ये कांग्रेस की दोनों पार्टियों से ये निवेदन है कि जो भी जब भी कांग्रेस के भी सत्ता में अगर आती है तो वो भी उसी को बनाए जो वाकई उस समाज के लिए काम करने वाला, तब जाके अगर सब समाज बराबर आ जाएंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है डॉक्टर अम्बेडकर के विजन को पूरा करने का कि सारे लोग बराबरी में आ जाएं, तो फिर अपनी आप ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि वो जो हनीमून पीरियड वाला आदमी नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए जो अगर कोई अध्यक्ष आता है तो वो काम करने वाला आदमी। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, शुक्रिया अमित जी आपका, शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के बोर्ड और ये आयोग की राजनीति और हर वर्ग को साधने की कवायद कितना रंग लाएगी, कितना फायदेमंद होगी बीजेपी कांग्रेस के लिए, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज़। नमस्कार।